यूपी के रामपुर में आज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मंच पर एनआरसी सीएए में हुई हिंसा को रोकने वाले लोगों को एसपी रामपुर ने सम्मानित किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने मीडिया को मंच से सम्मानित किया गया। इस मौके पर एसपी अजय पाल शर्मा और व्यापार मंडल की पूरी टीम मौजूद रही। वहीं इस मौके पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने एसपी को किया सम्मानित और कहा, रामपुर की गंगा जमुनी तहजीब से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और बेगुनाहों को जांच कर छोड़ा जाए। रामपुर में सभी धर्म के लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या है मुद्दा आपकी? आज हमारे दो व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने एक बहुत बड़ा भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे हैं और इस अवसर पर हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को भी मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। पिछले लगभग 20 दिनों एक माह से पूरे देश में अशांति की लहर थी, लोग हिंसा भड़काने पर लगे थे, लोग भावनाएं भड़का रहे थे, लोग अशांति फैला रहे थे, लेकिन हमने वो काम करके दिखाया है कि यहाँ पर हिंदू भाई, मुस्लिम भाई और सिख भाई की एकता साबित करके दिखाई है। हमारा एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में हम भाई भाई। शासन के हर बुरे वक्त में व्यापार मंडल खड़ा रहता है, क्या संदेश? व्यापार मंडल एक ऐसा संगठन है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा एकमात्र मकसद अपने जनपदों की सुरक्षा, अपने देश की सुरक्षा और अपने देश को का विकास कराना हमारा मकसद है। हम किसी भी कीमत पर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कहने पर, किसी भी राजनीतिक पार्टी के चढ़ान पर शहर के अंदर दंगा नहीं होने देंगे। चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन शहर में फसाद नहीं होने देंगे। सीएए और एनआरसी पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? सीएए एनआरसी ये राजनीतिक मामला है, इस मामले की उलझन में हमारे जनपद के, हमारे देश की जनता और व्यापारी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही हमें से किसी हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख भाई को नुकसान होने वाला है। ये सिर्फ नागरिकता का कानून है, इससे हमारे टेंशन का, हमारे किसी भी हिंसा भड़काने का कोई लेना देना नहीं है। हमारी जनता से अनुरोध है, व्यापारी समाज से अनुरोध है, एनआरसी हो या सीए, किसी बात को लेकर कहीं भी उग्र होने की आवश्यकता नहीं है। ये देश हमारा है, सभी हिंदू सिख भाइयों का देश है। भाई आज सम्मान जो दिया गया है किस तहत दिया गया है? ये हमारे व्यापारियों का पुलिस अधीक्षक महोदय ने शाल पहना करके सम्मानित किया है, जिन लोगों ने शहर के अंदर, जनपद के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखा, शहर को, जनपद को कर्फ्यू नहीं लगने दिया। लोगों ने हिंसा भड़काना चाही, हमारे पदाधिकारियों ने हिंसा भड़कने नहीं दी, शहर में वॉलंटियर्स का काम किया और शांति व्यवस्था पैदा करके दिखाई। इस बात को महसूस करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमारे सारे साथियों को शाल पहनाकर माला